तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के एक ऐप के नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में गेम खेलते हैं तो ये वाला ऐप आपको जरूर पता होगा, या फिर आपको नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेम बूस्टर ऐप, या बोल सकते हैं गेम लॉन्चर ऐप। ये सैमसंग गैलेक्सी में जब भी आप गेम खेलते हैं तो आपको ये ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए, और ये बहुत ही काम की होते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गेम लॉन्चर ऐप के और गेम बूस्टर ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपके अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में चले जाना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मेन्यू में, और वहाँ जाना है आपको अपडेट्स वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप अपडेट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ये नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा गेम लॉन्चर के अंदर। आप देख सकते हैं आपको ये नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा गेम लॉन्चर के अंदर। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 25 मई को, मतलब कि आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया है। इस अपडेट का जो साइज है 17.15 MB का, और वर्जन नंबर है 6.0.11 MB का। यहाँ पर आप ये ऐप काम कैसे करता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्रिएट अ गेमर प्रोफाइल एंड ट्राई आउट द न्यू फीचर। आप यहाँ पर गेमर की प्रोफाइल बना सकते हैं और अच्छे अच्छे नए फीचर वहाँ पर आपको मिलेंगे। कंप्लीट सिंपल मिशन एंड कलेक्ट यूनिक क्रिएटर। आप कोई सिंपल मिशन वहाँ पर करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ यूनिक क्रिएटर्स मिलने वाले हैं। गेम लॉन्चर विल एवरी स्टेप टू वे फॉर रनिंग गेम्स, मैनेजिंग फोल्डर एंड रिसीविंग रिकमेंड्स ऑफ डिलीटिंग एंड मैनेजिंग। गेम लॉन्चर एक मीडिएटर का काम करेगा, जिससे आप अपने जो गेम्स हैं ताकि अच्छे से रनिंग कर सकें और फोल्डर को भी मैनेज कर सकें और डिलीट कर सकें। उसके बाद आपको वहाँ पर एजुकेशन अलग से अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लाइक अपना गेम विदाउट डिस्टर्ब खेल सकें तो आपको वहाँ पर प्राइवेट मोड मिलता है। और उसके बाद गेम बूस्टर के अंदर आपको अवॉइड टच की, कहीं भी टच ना हो तो अवॉइड टच करने का भी ऑप्शन मिलता है, और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। इसको अपडेट करने के साथ आपको एक और अपडेट करना पड़ेगा, वो भी आपको अलग मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक और ऐप मिलेगा जिसका नाम है गेम बूस्टर। आप देख रहे होंगे आपको गेम बूस्टर भी एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा। तो अभी गेम बूस्टर क्या काम करता है वो भी बता देते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो ये गेम बूस्टर को कब रोल आउट किया गया, इसको भी आज ही के दिन रोल आउट किया गया 25 मई को, वर्जन नंबर 5.0.4.18 MB का ये अपडेट है। ये भी सेम वही काम करता है, ये एक मीडिएटर है, दोनों आपस में सपोर्ट होकर काम करते हैं। तो आपको दोनों को ही अपडेट करना चाहिए, एक को भी, ऐसा नहीं कि एक को कर लिया दूसरे को नहीं करा, आपको दोनों को ही अपडेट कर लेना है। दोनों को अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा हुआ तो आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आप सर्च मार लेना गेम लॉन्चर, तो आपको ये गेम लॉन्चर मिल जाएगा। गेम लॉन्चर के अंदर ये गेम बूस्टर आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया गेम लॉन्चर एक्टिवेट, या बोल सकते हैं गेम लॉन्चर ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको गेम लॉन्चर जब आप ऑन करेंगे तो आपको ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर यस नो बोलेगा, आप नो भी कर सकते हैं और यस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल बनाने को मिलेगा, ताकि आप अच्छे अच्छे जैसे कि आपको दिखा था गेमर की प्रोफाइल बनाना हो तो ऊपर आपको अपनी गेमर की प्रोफाइल बना लेना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर गेम खेलेंगे तो आपको कलेक्शन यूनिक्स कुछ मिलता जाएगा। प्ले टाइम आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप को ये डाल रखा है इसके अंदर गेम कैटेगरी में, तो इसलिए वो वहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा है। और फेवरेट कैटेगरी पजल ही आपको दिख रही होगी जैसा कि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले इंटरफेस आपको ऐड मिल रही है फ्रंट में, उसके नीचे जो भी आपके मोबाइल में गेम इंस्टॉल होंगे सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि मेरे पास अभी एक भी इंस्टॉल नहीं है, तो नहीं तो यहाँ पर आपको सारे गेम इंस्टॉल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है गेम साउंड वाला ऑप्शन कि गेम साउंड चाहिए नहीं चाहिए, और ये प्रायोरिटी मोड। जैसे ही आप ये प्रायोरिटी मोड को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होने वाला है, टू कीप टोटल फोकस्ड योर गेमिंग एक्सपीरियंस विल ब्लॉक इनकमिंग कॉल, ऑल नोटिफिकेशन एक्सेप्ट अलार्म विल आल्सो क्लोज ऐप वेयर पॉसिबल टू टेक। मतलब कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे सब कुछ बंद हो जाने वाला है, आपको कुछ भी नहीं आएगा और सीधा फोकस आपका गेम के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा, जैसे ही आप इसको ऑन कर लेंगे तो उसमें सब कुछ आपका ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर भी दिख रहा है, और आपको ऑफ करना हो तो अब ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो भी आप बुकमार्क करेंगे, आप यहाँ पर जो भी बुकमार्क ऐप करेंगे वो सब आपको ऐप यहाँ पर मिल जाएगी। उसके नीचे गेम नोटिफिकेशन जो होगी वो मिलेगी। इसके नीचे आएंगे गेम टाइमर, जो भी कुछ नया होगा वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वेलकम टू गेम लॉन्चर, ये सब चीज़ के जो भी नया होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बगल में दिया गया है इंस्टेंट प्ले, अगर आपको बिना डाउनलोड करे कोई गेम खेलना हो तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलने को भी मिल जाएंगे। इतने सारे गेम हैं, जो भी आपको खेलना हो आपको उस गेम पर क्लिक करना है,
और उसको वहाँ पर प्ले पर क्लिक कर देना है, तो ये गेम आपका बिना डाउनलोड करे वहाँ पर प्ले हो जाएगा। तो मतलब कि आप इसके अंदर इंस्टेंट प्ले गेम कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग करे, विदाउट अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें आप यहाँ पर ऑनलाइन गेम भी यहाँ पर आप खेल सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको गेम मिल जाएंगे, जो भी आपको देखना है आप खेल सकते हैं। कैटेगरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बगल में दिया है मेन्यू का ऑप्शन, मेन्यू में जाएंगे तो गैलेक्सी रैंकिंग, आपकी जो प्रोफाइल की आपकी रैंकिंग क्या है वो आपको यहाँ पर रैंकिंग मिल जाएगी। उसके बाद इवेंट्स में जाएंगे, कुछ नए इवेंट्स होंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर गेम बूस्टर आ जाएंगे, जो गेम बूस्टर जो काम करता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ब्लॉक डूरिंग गेम, जैसे कि वहाँ पर आप देखेंगे गेम बूस्टर के अंदर क्या होगा, नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, गेजर ब्लॉक हो जाएगा, ऑटो ब्राइटनेस ब्लॉक हो जाएगा, बिक्सवी ब्लॉक हो जाएगा, एच पैनल ब्लॉक हो जाएगा, तो ये सब यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। ऑटोमेटिक ऑटो टच प्रोटेक्शन 3 मिनट के लिए वो बंद हो जाएंगे ताकि कोई टच ना कर सके। सेव पावर डूरिंग टच प्रोटेक्शन, रिड्यूस द फ्रेम रेट ऑफ गेम विच टच प्रोटेक्शन इज एक्टिवेट, मतलब कि कोई भी टच ना करे तो उसके प्रोटेक्शन को वहाँ पर इंक्रीज कर देगा। शॉर्टकट बार वहाँ पर आपको शो होगा, फ्लोटिंग शॉर्टकट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर खेल के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर और कुछ ऑप्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट रेजोल्यूशन कितना परसेंट पे लें, स्क्रीनशॉट फॉर्मेट क्या रहे, गेम ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस कैसी रहे, स्टैंडर्ड पे करेंगे तो नॉर्मल रहेगी, परफॉर्मेंस में करेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी और आपका जो मोबाइल का पूरा फोकस इसमें आ जाएगा, और बैटरी सेवर पर जाएंगे तो ये आपकी बैटरी सेव पर रहेगी और थोड़ा नॉर्मल काम करेगा। लैब्स में जाएंगे तो यहाँ पर लैब्स के अंदर आपको एक और फीचर दिया गया, अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो पर इससे हीट बहुत ज़्यादा होगी पर गेम आपका बहुत शानदार खेलेगा। अगर आप ज़्यादा हेवी गेम खेलते हैं तो आप इसको ऑन करके खेलेंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पर आप खेल पाएंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल सब चीज़ें इसकी सेटिंग हो गई। अगर आपको उसमें यहाँ पर कोई गेम खेलना है तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और वो गेम यहाँ पर आप खेल पाएंगे, जैसे कि मैंने गेम से इसमें ऐसे सेट कर रखा है। तो कोई भी आप यहाँ पर गेम खेलेंगे तो उस फॉर्मेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे गेम बूस्टर को, ताकि और अच्छे से और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर सकें, इसलिए ये आपको यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं तो डेफिनेटली एक बार जरूर यूज़ करके देखना, तो आपको मज़ा आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।